हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है न्यायसा कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी। देखिए, 17 जनवरी 2014 को ये 165 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर 27 अक्टूबर 2019 को ये 1.12 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और अभी इसका जो प्राइस है वो 4.15 रुपये है। इस कंपनी को 1981 में बनाया गया था और ये जो कंपनी काम करती है ये रियल एस्टेट हो गया और ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस है उसको करने में ये लगी हुई है। अभी इसकी जो मार्केट कैप है वो 12.4 करोड़ की है। इसका जो बांड विकाई है 9.90 रुपये है और जो लो है 3.40 रुपये है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 9.60 रुपये है और इसका जो ROC है वो 10.20% है और जो ROE है वो 8.56% का है। और डेट ऑफ इक्विटी देखिए इसकी, ये बिल्कुल एक डेट फ्री कंपनी है। एक क्वार्टर वाइज सेल्स करने लग रही है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इसने 3.24 करोड़ की सेल्स की है और दिसंबर 2022 का जो क्वार्टर है इसमें इसने 28 लाख की सेल्स की है। और अगर आप इसकी पिछले 12 महीने की सेल्स देखोगे तो वो 6.71 करोड़ की है और इसकी जो अदर इनकम है पिछले 12 महीने की 1.28 करोड़ की है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ये देखिए 1.82 करोड़, 2.21 करोड़, 57 लाख, 18 लाख। इसकी पिछले 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 39% की है। पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 28% की है। पिछले 5 साल का CAGR 22% का है। पिछले 5 सालों की रिटर्न ऑफ इक्विटी 3% की है। और अगर इसके ऊपर कर्जे की बात करें तो बिल्कुल ही एक डेट फ्री कंपनी है और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है। 21.71 करोड़, 23.92 करोड़, 25.80 करोड़ और इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है। पहले 27.56 करोड़ की होती थी, फिर बढ़ के 29.67 करोड़, अभी 32.2 करोड़ की है। और अगर आप इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो वो 26.51% की है और जो ये प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये कहीं भी प्लेज नहीं है। और अगर आप इस स्टॉक में वॉल्यूम देखोगे तो इसकी एक महीने की जो एवरेज है इसमें 1 लाख शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसमें से 80 लाख की जो क्वांटिटी है वो डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई है और 1 वीक की जो एवरेज है इसमें 48,000 शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसमें से 39,000 की जो क्वांटिटी है वो डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई है और यस्टरडे को इसमें 20,000 शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसमें से 17,000 की जो क्वांटिटी है वो डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई है। तो इस स्टॉक में वॉल्यूम की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको आप आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं कभी भी। अब देखिए, अभी ये 4.15 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हुए हैं, इसकी जो एसेट बहुत ही ज़्यादा है, इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है, इसकी जो सेल्स है वो क्वार्टर वाइज होने लग रही है और ये बिल्कुल एक डेट फ्री कंपनी है। कि अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को आप कम से कम 2 से 3 सालों तक के लिए बाय करके होल्ड करें, तब आपको जाके इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बाय करना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ा बहुत और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक को आप बाई करें, क्योंकि ये जो पेनी स्टॉक होते हैं ये हाईली रिस्की होते हैं। ये जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा है और इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल भी है। सो दोस्तों, ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।